आप रूमी और आहिल की तरफ से ना बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आपको रूमी की तरफ से इंशाल्लाह कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी। हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे, इनफैक्ट दोनों का, आहिल का भी। जी मैं जानती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखिए। रूमी कहाँ है सबिया? रूमी बस कुछ परेशान है। फैजान भाई ने उसे बहुत हौसला दिया, अभी भी उसे समझाने की कोशिश करें, हालांकि वो बेचारे खुद भी बहुत दुखी हैं, बहुत टूटे हुए हैं बेटे की वजह से। पापा खुद ही आ गए। बेटे जब आप मेरे पास नहीं आओगे तो मुझे ही आपके पास आना पड़ेगा। पापा वो रूमी बेटा, हम सब की खुशी और ख्वाहिश यही है कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो। ताबिश मेरा भी बेटा था, लेकिन बेटा मरने वालों तक मरा नहीं जाए, जिंदगी आगे चलती रहती है। मुझे यकीन है कि यह फैसला तुम्हारी जिंदगी में बहुत खुशियां लेकर आएगा और मेरे आहिल को सारिम की सूरत में एक बेहतरीन बाप मिला। बेटा अपने लिए न सही तो आहिल के लिए ही मान जाओ। चलो बेटा शाबा, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, चलो। रूमी सिर्फ मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। तस्वी करूं तो किसकी, तेरे हुस्न का हर रंग अलग, कुवत अलग, हकीक अलग, नीलम अलग, मरजान अलग। हमारी लगन और मोहब्बत इतनी सच्ची थी, हर रुकावट दूर हो गई। तो ताबिश का भी ये वादा है तुमसे कि उसके दिल में और उसकी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी हिस्सेदार नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अरे भाई आ गई हमारी बेटी, आ जाओ बेटा आ जाओ। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। रूमी बेटा यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी। आप दोनों की इजाजत हो तो हम इस रिश्ते को पक्का समझें। अंकल हमारी तरफ से आप ये रिश्ता पक्का समझो। जी जी, नहीं काम में देर कैसी?